कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की दूज को मनाए जाने वाले भाई दूज के त्योहार की आप सभी भक्तों को बहुत बहुत बधाई। भक्तों, भाई दूज का त्योहार भाई और बहन के पावन रिश्ते को और उसके महत्व को सभी को समझाता है। इस दिन अनुष्ठान और उत्सव रक्षाबंधन जैसे ही होते हैं भक्तों, और उसी के समान मनाए जाते हैं। इस दिन बहनें भाइयों का टीका करती हैं, उन्हें अपने हाथ से भोजन करवाती हैं तथा उनकी लंबी आयु, आरोग्य, यश, वैभव, कीर्ति की कामना कर उन्हें मिठाई प्रदान करती हैं। इसके बदले में भाई अपनी बहनों को अनेकानेक विशेष उपहार प्रदान करते हैं। भाई दूज से संबंधित वेद पुराणों में अनेक गाथाएं प्रचलित हैं भक्तों, जिनमें से कुछ मैं आज आपको संगीतमय रूप में सुनाने जा रहा हूं। तो बोलिए भाई दूज त्योहार की जय। भाई बहन का प्यार है, खुशियां तो अपार है, भाई दूज त्योहार की महिमा अपरंपार है। भक्तों, इस पवित्र त्योहार से जुड़ी पहली कथा सूर्यपुत्र यम और सूर्यपुत्री यमुना की है। दोनों ईश्वर द्वारा निर्धारित अपने अपने कर्मों में व्यस्त रहते थे। कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की द्वितीया का दिन आया भक्तों। देवी यमुना को अपने भाई यम से मिलने की तीव्र इच्छा हुई। संदेश पाकर यमराज महाराज भी बहन से मिलने आ पहुंचे। बहन यमुना ने कहा, भैया जाइए, सबसे पहले मेरे पवित्र जल में स्नान कीजिए, तब तक मैं आपकी पसंद का भोजन बनाती हूँ। श्री यमराज जी ने ऐसा ही किया भक्तों। स्नान के पश्चात बहना ने भाई की आरती की, उन्हें तिलक लगाया और फिर अपने हाथों से अपने भाई यमराज को भोग लगवाया। इस पर यमराज इतने प्रसन्न हुए कि उन्होंने सारी सृष्टि को यह वरदान दे दिया कि इस दिन जो भी भाई अपनी बहन के घर में स्नान करेगा, तिलक करवाएगा, पूजन करवाएगा और बहन के हाथ से भोजन ग्रहण करेगा, उसके हाथ से मुंह मीठा करेगा और बहन को ढेर सारे उपहार देगा, उसे मेरे यानी यम के भय से मुक्ति मिल जाएगी। यह कहकर श्री यमराज जी अपने कर्म हेतु चले गए और जाते जाते बहन यमुना को ढेर सारे उपहार भी दे गए। तभी से ये संसार भाई बहन का पवित्र त्योहार भाई दूज बड़ी धूमधाम से मनाता है। स्नान ध्यान करवाया यम को, चंदन तिलक लगाया है, चंदन तिलक लगाया है, अपने हाथों से भाई को भोजन भी करवाया है, भोजन भी करवाया है। यम यमुना ने भाई दूज का ये त्योहार मनाया है, ये त्योहार मनाया है। तब से सबके जीवन में ये खुशियों का दिन आया है, खुशियों का दिन आया है। यम यमुना ने दे डाली खुशियाँ तो अपार है, भाई दूज त्योहार की महिमा अपरंपार है। भाई दूज त्योहार की दूसरी प्रमुख कथा कुछ इस प्रकार से है भक्तों। किसी गांव में एक वृद्धा रहा करती थी, उसके सात बेटे थे और केवल एक बेटी थी। बेटी का ब्याह उसने दूर परदेश में किया हुआ था, परंतु बेटी की शादी को वो तरसती रहती थी। जैसे ही उसके बेटे शादी करने जाते, एक नाग उसके बेटों को डस लेता एक एक कर। इसी तरह से उस वृद्धा के छह बेटों का देहांत हो गया।
अब सबसे छोटा बेटा बचा था। भाई दूज का पर्व आया, वो ये पर्व मनाने अपनी बहन से मिलने परदेश को चला गया। मार्ग में उसे एक नदी मिली, वो बोली मैं तेरा काल हूँ, मैं तुझे डुबोऊंगी। भाई ने प्रार्थना की एक बार बहन से मिलाऊं फिर मुझे डुबा लेना। इसी तरह मार्ग में पहले सांप और फिर एक शेर मिला, परंतु भाई की प्रार्थना पर उन्होंने उसे छोड़ दिया। भाई बहन के पास आ गया, उधर बहन खुशी में क्या क्या कर रही है आइए सुनाता हूँ। पानी से चूल्हा लिपा है, घी में चावल पकाती है, घी में चावल पकाती है, भाई के आने की खुशी में बाबली हुई जाती है, बाबली हुई जाती है, मिलकर दोनों ने फिर भक्तों ये त्योहार मनाया है, ये त्योहार मनाया है, भाई के वापस जाने का दिन देखो फिर आया है, दिन देखो फिर आया है, आटा चक्की पीस के लड्डू किए तैयार है, भैया दूज के पर्व की महिमा परंपार है। सुबह जब बच्चों ने आटा चक्की देखी तो देखा उसमें तो एक सांप भी पिसा हुआ है। बहना का दिल दहल गया, कहीं भाई ने जहरीले लड्डू तो नहीं खा लिए। यह सोच वो भाई के पीछे पीछे भागी। मार्ग में भाई विश्राम करता मिला, बोला बहन जहरीले लड्डू से तो तूने मुझे बचा लिया, परंतु शेर सांप और नदी से कैसे बचाएगी। इतना सुनना था कि बहना भाई को छोड़ने उसके साथ मैके को चल दी। पहले शेर आया तो बहन ने उसके आगे मांस परोस दिया। शेर मांस खाने में व्यस्त हो गया और वो दोनों आगे बढ़ गए। आगे चले तो सांप आ गया, बहन ने उसे पीने को दूध दे दिया, वो दूध पीता रहा और वो दोनों आगे बढ़ गए। इसी तरह मार्ग में नदी आ गई, बहन ने उसे पियरी चढ़ाई, नदी ने उन्हें पार जाने का स्थान दे दिया। तभी बहन ने वहां पर एक बुढ़िया को देखा, वो बुढ़िया क्या कर रही थी आइए सुनाता हूँ। एक बुढ़िया छह मिट्टी के तो ढेर बना कर बैठी है, ढेर बना कर बैठी है, बोली ये तेरे छह भाई है जिनकी मौत हो चुकी है, जिनकी मौत हो चुकी है, अब सातवें का तो सुन ले इंतजार में करती हूँ, इंतजार में करती हूँ, जैसे ही शादी हो उसकी उसको मौत में धरती हूँ, उसको मौत में धरती हूँ, बात पूछती बचने की बुढ़िया कहे उपचार है, भाई दूज के पर्व की महिमा परंपार है। ने बताया कि यदि तू अपने सातवें भाई की सारी अलाएं बलाएं अपने सिर पर ले ले तो तेरा भाई अवश्य बच जाएगा, परंतु तू पागल हो जाएगी। बहन ने यह स्वीकार कर लिया और दोनों घर आ गए। भाई के विवाह का दिन आया तो बहना बोली यह शादी का सेहरा मैं पहनूंगी। सबने उसे पगली जान उसे सेहरा पकड़ा दिया। सेहरे के अंदर एक नाग था भक्तों, जिसे बहन ने निकालकर बाहर फेंक दिया। फिर फेरों के समय वो बोली फेरे मैं लूंगी, उसकी हट देख सभी ने उसे फेरे लेने दिए कि तभी हवन कुंड की अग्नि से गठबंधन में आग लग गई, जिसे बहन ने बुझा दिया। गृह प्रवेश पर वो बोली भाई पीछे के दरवाजे से अंदर जाएगा। भाई जैसे ही पीछे से अंदर आया आगे का दरवाजा टूट कर नीचे गिर गया। अब वो बोली मैं भाई भौजाई के साथ उन्हीं के कमरे में सोऊंगी। दोनों के बीच पर्दा डाल वो उनके साथ सो गई। रात में भाई को डसने ज्यों ही नाग आया, बहना ने उस नाग को मार डाला। और भी आगे क्या क्या हुआ आइए
सुनाता हूँ। भाई के कमरे में जाकर पर्दा डाल सो जाती है, पर्दा डाल सो जाती है। तभी कालिया नागर आता, बहना मार भगाती है, बहना मार भगाती है। इसी तरह भाई की सारी बला तो उसने ले ली है, बला तो उसने ले ली है। अपने भाई की जान भक्तों उसने ऐसे बचाई है, उसने ऐसे बचाई है। ससुराल को जाने को बहना फिर तैयार है, भाई दूज त्योहार की महिमा परंपार है। तो देखा आपने भक्तों, किस तरह भाई दूज के पावन त्योहार पर एक बहना ने अपने भाई की सारी अलाएं बलाएं अपने सिर पर ले ली और उसे जीवन दान दिया। वापस ससुराल जाने लगती है, तब भाई स्वयं सभी को शेर, सांप और नदी की कथा भी सुनाता है कि किस तरह बहना ने अपनी चालाकी से उसके प्राणों की रक्षा की है। बहन फिर से भाई का तिलक करती है, अपने हाथों से उसकी आरती उतारती है, उसका मुंह मीठा कराती है और ससुराल को जाने लगती है। भाई जाते जाते उसे ढेर सारे उपहार देकर विदा करता है। तभी से ये सारा संसार भाई बहन का ये पवित्र त्योहार भाई दूज मनाता है भक्तों। इससे भाई बहन का प्यार और श्रद्धा विश्वास बढ़ता जाता है। पूरे जगत में इस त्योहार की धूमधाम है भक्तों। तो एक बार फिर मेरे साथ बोलिए, बोलिए भाई दूज त्योहार की जय। भाई बहन का प्यार बढ़ाता पावन ये त्योहार है, पावन ये त्योहार है। धूमधाम से सभी मनाते भाई दूज त्योहार है, भाई दूज त्योहार है। चंदन तिलक लगा भैया को, खाना बहन खिलाती है, खाना बहन खिलाती है। बदले में भैया राजा से वो उपहार तो पाती है, वो उपहार तो पाती है। भाई दूज त्योहार की जग में धूम अपार है, भाई दूज त्योहार की महिमा परम पार है।